हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो है सोया चाप की सब्जी। ग्रेवी में सोया चाप कैसे बनाएं, और उसके लिए मैंने मंगाई है सोया चाप। ये देख सकते हैं आप, एक टिन पैक सोया चाप है, ऑर्गेनिक है। तो आइए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 9 पीस निकले हैं इस डब्बे में से, 9 पीस। तो आप इसको हाफ हाफ करके भी बना सकते हैं और पूरा भी एक बार में बना सकते हैं। कितना आपको कंजम्पशन करना है वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हमने खुला पानी रख दिया है उबलने के लिए, और यहाँ आपको दिखाऊं मैं, ये मैंने वॉश कर ली है अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रिजर्व की हुई होती है, पानी में रखी थी तो अच्छे से वॉश कर ली। और अब हम इसमें थोड़ा सा तो डालेंगे नमक, आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और फिर डाल रही हूँ मैं इसमें ये चाप। इनको हम उबालेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने तक, ताकि इसमें नमक जो है वो अंदर तक चला जाए। उबालने के बाद हम इनको स्ट्रेन करके ठंडा करेंगे, उस पोजीशन में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये उबल गई हैं, और हमने इसको पानी में से ना इस तरीके से निकाला है। जैसे एक ये बंद कर दिया गैस को, जब अच्छे से सॉफ्ट हो गई, और इनको ऐसे पकड़ के निकाल लिया और स्ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब इनको ठंडा होने देंगे और अच्छे से ये सूख जाएं, क्योंकि अगर हम फ्राई करेंगे तो ये पानी जो है इसमें तड़केगा, तो थोड़ी देर हमें इसको सुखाना है अच्छे से। ये टोटल 9 चाप हैं, तो 5 हम एक तरह से बनाएंगे और 4 हम एक तरह से बनाएंगे। तो मैंने आपको उबालना बता दिया है, और जैसे ही ड्राई होंगी मैं आपको 2 मेथड से, एक आज बनाऊंगी सब्जी और एक कल आपको बनाकर बताऊंगी। बहुत न्यूट्रिटिव है, बहुत बढ़िया लगती है। अब देखिए इनको हमें ठंडा होने के बाद स्टिक को निकालना है, और आसानी से निकल जाती है स्टिक इस टाइप से। ठीक है, सॉफ्ट ही हो गई है। और जब हम इसको पीसेस में करना है तो इस टाइप से इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, अंदर जाली है ये, तो ये अच्छे से इसके अंदर मसाला जो है वो भर जाएगा। इसी तरह से हम सारी जो चाप हैं उनके पीसेस कर लेंगे। एक चाप में से मैंने 3-4-5 पीस किए हैं। तो तेल जो है वो गरम हो गया है अच्छे से, अब हम इसमें ये कटे हुए पीस डाल देंगे। सुखा लिया है इनको हमने अच्छे से। तो ये देखिए, ये इस टाइप से हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है ना, इनको हल्का फुल्का चलाते हुए अच्छा ब्राउन हमें करना है। मैं आपको दिखाती हूँ तलने के बाद कि कैसा कलर हमें चाहिए। देखिए ये ऐसा कलर होना शुरू हो गया है, थोड़ी देर और हमें फ्राई करना है, और ये परफेक्ट कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये हमने 5 चाप के पीस लिए हैं, जिससे ये ऐसा आ गया है, इतना हो गया है। और अब मैं प्याज को फ्राई करने वाली हूँ। ये मैंने 3 प्याज को काट लिया है और इनको ऑयल में डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है और ब्राउन करना है हमें। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ना हमें इसको ब्राउन करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको ब्राउन करके ही दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये होना शुरू हो गया है, हमें ब्राउन करना है। और जब तक ये और थोड़ा सा ब्राउन होता है ना, हमने ये 4 टमाटर, 4 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च, इनको ब्लांच करने के लिए रख दिया है। ये देखिए ब्राउन हो गई है, अब हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। और इधर ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से ब्लांच हो गए हैं, टमाटर लहसुन हरी मिर्च इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए टमाटर की स्किन निकालकर प्याज के साथ ये सब हम, मैं इकट्ठा ही पेस्ट बना लूंगी, इकट्ठा पीस लूंगी इसको। ये देखिए कुछ इस तरह का ये पेस्ट बन गया है, मैं आपको दिखाऊं। प्याज और टमाटर हमने साथ में पीस लिए हैं, और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हें ठंडा करके ही पीसना है। आइए इसका तड़का बनाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बाउल में ले लिया है, जो फ्राई की हुई चाप है, और ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कर्ड। इसको मैंने इसे फेंट लिया है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर,
नमक हमने बॉईल करते हुए डाला था, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, 1/4 टीस्पून आप डाल लें। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और अब हम इसको इसमें मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे सोया चाप को। इनको हम मैरिनेट करेंगे 10 मिनट के लिए, हम इसको साइड में रख देंगे ऐसे मिक्स करके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये जो है ये जूसी हो जाएंगी इससे ना, इसमें ये मैरिनेट होके मसाला जो है वो अंदर तक चला जाएगा। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 हरी इलायची। जब भी आपको अगर इंग्रेडिएंट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे तो इसलिए मैंने शुरू में इनको नहीं दिखाया। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे पक जाए इसके बाद हम डालेंगे ये अदरक का पेस्ट। ये 1 से 1.5 इंच अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको ऐसे हल्का सा भूनेंगे। और हल्का सा भूनने के साथ ही ये पक जाएगा इसमें टमाटर की और प्याज की ग्रेवी में, इसको हम डाल देंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और जितने ड्राई मसाले हैं उनको हम साइड में डाल देंगे। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर आती है, और नमक स्वाद के अनुसार है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। किचन किंग 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं इसको। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले भुनने की, जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए भुनना शुरू हो गया है, 2-3 मिनट इसको भुनते हुए हो गए हैं, और हमें अच्छे से इसमें ऑयल छूट जाए ना तब तक हमें इसको भुनना है। इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल रहे हैं, आप शुरू में भी डाल सकते हैं बट जले ना, ये पाउडर हींग है इसलिए मैंने इस समय डाला है। तो 2 पिंच के करीब हींग हमने डाला है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे क्योंकि ग्रेवी अभी बहुत थिक है। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया है पानी डालने से, तो इसी समय हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चाप, जिससे क्या है ये जो दही है वो फटेगा नहीं। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और चला दिया हमने, बिल्कुल भी ग्रेवी फटी नहीं है। और ये तो हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच के करीब आप ले लें और ऐसे हाथ से क्रश करके डाल दें। मिक्स करें। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये सब्जी बनी है, ताकि चाप जो है अंदर से सॉफ्ट हो जाए और मसाला एब्जॉर्ब हो जाए अंदर तक। तो आइए खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक गया है, साइड में ऑयल जो है वो छूट गया है, हमने बहुत सारा ऑयल वैसे भी नहीं डाला था, और बहुत अच्छी ये ग्रेवी बनकर तैयार है आप देख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इस समय आप टेस्ट कर लीजिए, और मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपको इसमें खट्टा दही नहीं डालना है, और टमाटर भी आपको देसी नहीं लेना है, खट्टे नहीं लेना है। और यकीन मानिए ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, इतनी यमी बनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लेटिंग करते हैं।
तो ये देखिए, ये कर ली है हमने प्लेटिंग, और ये जो चाप हैं ये देखिए कितनी बढ़िया से एकदम अच्छी बनी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, जूसी हो गई हैं। और आप देख सकते हैं ग्रेवी आपको जितनी थिक चाहिए उतनी कर सकते हैं, पानी आप एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। और यकीन मानिए, बनाकर देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ये सब्जी बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।